यूपी के अमेठी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दरअसल एक बैंक मैनेजर के बेटे के अपहरण की सूचना पुलिस को मिली थी, जहां पर कार्रवाई करने पुलिस पहुंची थी। मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से फायरिंग हुई। फायरिंग में एसओजी प्रभारी के हाथ में और बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान कार सवार चार बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं घायल एसओजी प्रभारी और घायल बदमाश को इलाज के लिए सीएचसी अमेठी लाया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई पर पीड़ित ने धन्यवाद दिया है। हम अपनी शाखा पर पहुंचे तो हमको एक फोन आया कि आपके बेटे का सुबह 10:30 बजे अपहरण हो गया है। उस समय नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से क्या कहते हैं कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो संयोग से 112 नंबर पर हमने कॉल किया और वहां पे हमारी इंफॉर्मेशन एएसपी एसएचओ और क्या कहते हैं कप्तान साहब सभी लोगों ने सकारात्मक सहयोग दिया और हमारे लड़के का जो अपहरण हुआ था बदमाशों को पकड़ करके और क्या कहते हैं हमारे लड़के को छुड़ाया। आपको बता दें कि अमेठी में बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करने गई पुलिस पर फायरिंग हुई, जिसके बाद बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें कि पुलिस को खबर मिली थी कि एक बच्चे का अपहरण किया जा रहा है, जिसकी खबर के बाद पुलिस ने नाकेबंदी की और बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एसओजी घायल हो गए, हालांकि एक बदमाश के पैर में भी गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस ने चारों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इलाज के लिए बदमाश और पुलिस एसओजी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बताने कि अमेठी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है।